हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सोशल साइंस क्लास 5 का लेसन 2, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस, पढ़ने वाले हैं। लोकेटिंग प्लेसेस का क्या मतलब होता है कि यदि हम कहीं पर हैं और हमें उस जगह से किसी दूसरी जगह का पता लगाना है या उस जगह को देखना है, तो हम उस जगह को कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अर्थ के मॉडल के ऊपर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आज की क्लास में देखेंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और हम किसी भी जगह का पता उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से लगा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस। अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज कंटेन कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज एंड सिटीज आर मार्क्ड ऑन ए ग्लोब विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। टू लोकेट एन एनी प्लेस वी नीडेड टू सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। हमारे जो ग्लोब रहता है, उस ग्लोब में कहीं ये नहीं बताया जाता हैगा, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता हैगा जिसके आधार पर हम किसी भी जगह का पता लगा सकें। तो व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब वी सी ओनली इट्स ऑन साइड। टू सी द अदर साइड वी हैव टू रोटेट इट। द ग्लोब रोटेट्स ऑन रोड दैट पासेस थ्रू इट्स कॉल्ड एक्सिस। ग्लोब जो है इस तरह से एक रॉड के ऊपर स्थिर होता है, जिसे हम उसकी एक्सिस कहते हैं, और उसके ऊपर ही हम उसको घुमा सकते हैं ये, ठीक है। और जब एक साइड का ग्लोब हम देख सकते हैं, दूसरे साइड का नहीं, तो जब दूसरे साइड का ग्लोब देखना होता है तो हम उसकी एक्सिस को घुमा देते हैं तो दूसरे साइड का। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। एक्सेज क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे अर्थ रोटेट करती है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड द पोल्स। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं इस तरह से, ये एक और एक नीचे, इसे हम पोल कहते हैं। ऊपर वाले पोल को हम नॉर्थ पोल कह देते हैं और नीचे वाले पोल को हम साउथ पोल कह देते हैं। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। ऑन ए ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी ए नंबर ऑफ लाइन्स। दीज इमेजिनरी लाइन्स मेक इट सिंपल टू लोकेट एनी प्लेसेस। इस तरह से ग्लोब में लाइन खड़ी और आड़ी लाइनें बनी रहती हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं कि खड़ी और लाइन आड़ी लाइन क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन ए ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है, चलिए देखते हैं। An imaginary line drawn half between the North Pole and the South Pole is called equator. अब North Pole और South Pole के बीच में एक imaginary line खींच दी जाती है इस तरह से, जो कि बीच से उसको दो भागों में, हाँ An imaginary line drawn halfway between the North Pole and the South Pole, it is called equator. The part of the earth which lies to the north of the equator is called Northern Hemisphere, and the part which lies towards the south of the equator is called the Southern Hemisphere. The imaginary line drawn parallel to the equator are known as parallels of latitude. जो imaginary line है, equator है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो northern pole कहलाता है, northern hemisphere कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा है वो southern hemisphere कहलाता है। Latitude, the length of these parallel lines keeps and decreasing as we move toward away from the equator towards the pole. इनकी लाइनों की लंबाइयां कैसे होती हैं, धीरे धीरे धीरे
कम होती जाती हैं जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। ऑल लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम ए कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्दर्न पोल एंड द साउदर्न पोल विच आर पॉइंट्स। ये पूरी एक बॉल के ऊपर जैसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं वैसी होती हैं। दीज लाइन्स आर नंबर्ड, इन लाइनों के नंबर होते हैं। द इक्वेटर्स विच इज मार्क्ड एज जीरो लॉन्गिट्यूड, जो इक्वेटर है वो जीरो लॉन्गिट्यूड पे होता है। इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब, और इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होती है जो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ होती है। द नॉर्दर्न पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउदर्न पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री साउथ। इस तरह से 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ बताता है। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री, और जो पैरेलल्स हैं वो 1-1 डिग्री के डिस्टेंस पर ड्रॉ किए जाते हैं। इक्वेटर जीरो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, एक लाइन आप इसमें देख रहे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन आर्कटिक सर्कल दैट इज 63.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल सबसे टॉप पे, सबसे बॉटम में देखिए, ये अंटार्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5। मतलब दो लाइनें हो गई, एक हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ पर होती है, और दूसरी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 साउथ पे होती है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे ग्लोब को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 4 पॉइंट दिए हैं, 6 कैसे हो गए? तो एक नॉर्थ पोल, फिर आर्कटिक सर्कल, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर एंटार्कटिक सर्कल, एंड देन साउथ पोल। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है। द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। ऑल दीज लाइंस आर ऑफ द सेम लेंथ। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर। ग्रेजुअली द गैप बिटवीन टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट डिक्रीजिंग एज द they move towards the poles where they are joining the parallels of latitude lines or longitude also numbered at their total number is 360। इनके जो total number है वो 360 होते हैं। The Greenwich line near London is taken 0 degree longitude। This line of longitude is called prime meridian, ठीक है? The area between 0 and 182 hertz, the east of the prime meridian is known as the eastern hemisphere marked as E, and the between 0 to 182 hertz the west is the prime meridian is known as the western hemisphere and are marked with W. The meridian of 180 east and 180 west. तो हम ये देखते हैं इस तरह से। ये हमारी खड़ी लाइनें हैं जो ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रही हैं, और ये हमारी आड़ी लाइनें हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं ग्रेड। द पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड lines of latitude from a network on a globe which is known as grid। तो जब ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो इस तरह से खंड खंड बन जाते हैं जिसको कि हम ग्रिड कहते हैं। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड
एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। तो इसमें क्या होता है कि जब ये खंड बन जाते हैं तो उससे हमको उस जगह को लोकेट करने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज लोकेटेड एट 28°36' लैटिट्यूड एंड 77°12' लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब। ठीक है, इस तरह से क्रॉस करते हैं। तो हम इस प्रकार से अपने ग्लोब से पूरे किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, जैसे पेरिस, फ्रांस आप लोगों के लिए वर्क है। आप इस तरह से एक ग्लोब ले लेंगे और ग्लोब लेने के बाद उस पर फ्रांस या पेरिस का 48°52' एंड 220° के चेक करेंगे और लंदन इंग्लैंड आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसमें हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडियल लाइन क्या होती है, ग्रीनविच लाइन क्या होती है या प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है जो अर्थ के मॉडल को दो बराबर भागों में बांटती है, दैट इज ग्रीनविच लाइन, और जो आड़ी होती है वो प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूड, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जिसको आप अपने से ढूंढेंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर हम आपको अगली क्लास में इसके सॉल्यूशन देंगे, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, और उसके बाद में ये हैं आपके ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स के बाद MCQ क्वेश्चंस, चूज करेक्ट आंसर। इनके PDF फाइल भी हम भेजेंगे। और आप लोगों से एक बात और कहनी है कि आप लोग अभी भी पढ़ाई कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों का कोचिंग नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करें। और जब भी आप लोग इस चैनल में अपने लेसन्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक जो लाइक बटन होता है उसको दबा दें, तो जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ फलाने व्यक्ति ने आज ये क्लास देखी है। और शेयर बटन से आप अगर दबा देंगे तो शेयर बटन दबाने से आपको जैसे ही हम अपना ये वीडियो आपकी क्लास में अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा। और जब तक गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तब तक हम आपकी क्लास में केवल वीडियोस, लेसन के वीडियोस डालेंगे, सॉल्यूशंस नहीं डालेंगे। तो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, आंसर्स ढूंढ के रफ कॉपी में लिख लीजिए और बाद में आप उनको चेक करके फिर कॉपी में।